सो वी हैव सीन दैट लुए 16 हैंग कर दिया गया था, एंड आई टोल्ड यू दैट मैक्सिमिल एंड रॉबस्पियर बिकेम द हेड ऑफ द फ्रांस बिकॉज फ्रांस वॉज नाउ अ रिपब्लिक. ठीक है, फ्रांस अब एक क्या हो चुका था, रिपब्लिक बन चुका था. ठीक है, और उस फ्रांस का हेड वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टेन्योर था वो ज़्यादा लंबा नहीं था, ही वॉज देयर फॉर ओनली 1 ईयर, 1793 टू 1794. लेकिन इस फेज को जब तक वो था 1 साल के लिए, उसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर. अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, आप नाम से समझ सकते हैं कि कुछ भयानक चीज़ें हो रही होंगी. तो अब शॉकिंग बात आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि भाई रिपब्लिक भी आ गया है, उसके बाद भी रेन ऑफ टेरर. नो रिमेंबर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, आई टोल्ड यू ही वॉज बेसिकली फ्रॉम दी ही वॉज फ्रॉम द जैकोबिन क्लब, ही वॉज फ्रॉम द जैकोबिन क्लब. वो जैकोबिन क्लब को लीड कर रहा था. तो मतलब क्या था, जैकोबिन क्लब में कौन थे, छोटे लोग थे, फार्मर्स थे, शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स थे, इस तरह के लोग थे. तो ही वॉज द लीडर ऑफ द लोअर क्लास. तो जब ये फ्रांस का हेड बना, तो इस टेन्योर में 1793 से 1794 में ये इंसान, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ही वॉज अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु वर अगेंस्ट हु वर इन फेवर ऑफ मोनार्की. मतलब जो जो लोग मोनार्की को फेवर कर रहे थे या जो जो लोग रिपब्लिक के अगेंस्ट थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था. एंड ही यूज टू पनिश देम, उनको उठा के वो जेल में डाल देता था. ही यूज टू पुट चार्जेस ऑन देम. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने और क्या किया, व्हेन ही केम टू पावर व्हाट ही डिड इज, उसने पहली चीज ये करी कि उसने वेजेस इस पे सीलिंग लगा दी. सेकेंड चीज उसने करी कि उसने फूड प्राइसेस को फिक्स कर दिया कि एक लिमिट से ऊपर सामान नहीं बेचेगा. इस तरह के उसने कार्यक्रम कर दिए. उसने कहा कि मीट, ब्रेड, इन सब के प्राइसेस फिक्स हो गए. ठीक है, और उसने कहा कि वाइट फ्लोर, जो सफ़ेद वाइट फ्लोर था, ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, इसका यूज़ उसने मना कर दिया कि ये कोई यूज़ नहीं होगा. ठीक है, सो बेसिकली ही वॉज इन फेवर ऑफ कॉमन मैन. लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट देर आर अदर पीपल ऑल्सो इन फ्रांस. वो उसके अगेंस्ट थे, वो इन चीज़ों के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन मैन का नेता था. ही वॉज द लीडर ऑफ द कॉमन मैन, सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स. बट ही वॉज ज़्यादा ही कुछ कर गया वो. क्यों ज़्यादा कर गया, क्योंकि भैया उसने वो हर उन इंसान के अगेंस्ट चला गया विदाउट एनी रीजन, इफ ही वॉज अगेंस्ट द रिपब्लिक, इफ ही वॉज फेवरिंग द मोनार्की. ठीक है, सो वॉट यूज टू हैपन कि वो उनको चार्जेस लगाता था, और जिन लोगों के चार्जेस को कोर्ट सही ठहरा देता था, दे वेर ग्यूलोटिंड, क्वारंटाइन नहीं, ग्यूलोटाइन. क्या होता था ग्यूलोटाइन का मतलब, एक्चुअली ग्यूलोटाइन इज नथिंग बट एक तरह का, आपने देखा होगा कि अगर ये दो पोल्स हैं तो होता क्या था कि यहाँ पर एक इस तरह का शेप बना होता है जिसमें इंसान का सर रख दिया जाता था, और ऊपर से यहाँ से एक ब्लेड होता था, दिस ब्लेड, ये ब्लेड को गिरा दिया जाता था और उसका सर कट जाता था. सो बेसिकली ग्यूलोटाइन वॉज दिस थिंग, जहाँ पर आदमी को मार दिया जाता था सरेआम. ठीक है, वैसे इसको डॉक्टर, एक डॉक्टर ग्यूलोटाइन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे कहा जाता था कि जब रॉबेस्पियर को लगता था कोई व्यक्ति उनके अगेंस्ट था, रिपब्लिक के अगेंस्ट बातें कर रहा है या वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर चार्जेस लग जाते थे. कोर्ट अगर उन चार्जेस को सही मान लेता था तो दैट पर्सन वॉज ग्यूलोटाइन. अब देखिए, ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर थी फ्रांस के अंदर. दिस वॉज नॉट अ करेक्ट मेथड, आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे. अगर कोई व्यक्ति, किसी का अपना राइट है, सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ रही है, आप इफ समवन इज नॉट एक्सेप्टिंग रिपब्लिक एंड ही वॉन्ट्स अ मोनार्की एंड ही इज अपोजिंग इट, तो ये तरीका तो नहीं होना चाहिए ना कि आप उस पर चार्जेस लगाने के बाद आप उसको गिलोटाइन कर दो. दिस वॉज वेरी बैड पिक्चर इन फ्रांस इस टेन्योर में, 1793 से 1794. इसलिए इस फेज को हम लोग बोलते हैं रेन ऑफ टेरर. लेकिन हुआ ये है कि बहुत टाइम तक ये काम चल नहीं पाया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, एंड ही वॉज ऑल्सो फाउंड गिल्टी बाई दी कोर्ट. और जब इसको कोर्ट ने गिल्टी फाइन किया, तो उसको भी क्या कर दिया गया, ग्यूलेटाइन कर दिया गया. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का चैप्टर खत्म हो गया. जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का चैप्टर खत्म हो गया, तो फ्रांस में रिपब्लिक तो है ही, तो अब क्या हुआ फ्रांस में, प्लीज थी, अब फ्रांस में आया डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल का मतलब क्या था,
कि अभी तक ये तो यहाँ जैकोबिन क्लब थे, मतलब वीकर सेक्शंस के हाथ में पावर थी। जब वीकर सेक्शंस की पावर ख़त्म हुई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, डायरेक्टरी रूल केम, मतलब अब जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास, एक्चुअली दीज वर दी वेल्दियर मिडिल क्लास, इनको पावर मिल गई। वेन वेल्दियर मिडिल क्लास गॉट दी पावर, सो दे सेड दैट वी विल मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब देखिए 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, दे आर प्रपोजिंग टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में लिखा जाने लगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने कहा देयर विल बी टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, और ये दो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं दे विल इलेक्ट 5 मेंबर्स टू डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में एक तरह का बोर्ड बन गया था, उसके 5 मेंबर्स ये लोग इलेक्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों लोगों में बहुत बहुत क्लैशेस होते थे, जैसे अगर कुछ काम अगर 5 मेंबर्स डायरेक्टरी करना चाहते थे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको करने नहीं देता था। तो दिस वाज द प्रॉब्लम जो डायरेक्टरी रूल आने के बाद भी कंटिन्यू करती रही, ठीक है। और दिस व्हेन दिस प्रॉब्लम वाज गोइंग ऑन एंड ऑन, सो फाइनली इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो गई। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दे वर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, एंड 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी जो अपॉइंट किए गए थे दे वर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ क्लैशेज एंड लॉट ऑफ क्योस दैट वॉज गोइंग ऑन इन द कंट्री, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म ऑल दिस चैलेंजेस जब हो रहे थे तो गवर्नमेंट वॉज बेसिकली गोइंग ऑन, एंड लॉट ऑफ प्रिंसिपल क्लैशेज थे। प्रिंसिपल क्लैशेज मतलब आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लैशेज देखते रहे किस चीज़ में हो रहे हैं, इक्वालिटी को लेकर हो रहे हैं, किसको कितनी, किसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, लिबर्टी के लिए हो रहे थे क्लैशेस। मतलब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, देखिए आप अनडायरेक्टली तो यही सब बातें हो रही थी ना। अब ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व होते दिख रहे हैं धीरे धीरे, इक्वालिटी की बात हो रही थी, लिबर्टी की बात हो रही थी, है ना, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हो रही थी, सबको बराबर से इकोनॉमिक लिबर्टी हो, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से अभी तक पॉलिटी फ्रांस की चेंज होती चली गई, पॉलिटी, पहले मोनार्क था, फिर किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, ठीक है, फिर किस तरीके से चीज़ें रिपब्लिक में चेंज हो गई। रिपब्लिक में भी आपने देखा तो जो व्यक्ति आया वो कितना ज़्यादा हार्श था, उसके रेन को हम, उसको जो उसका टेन्योर को हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। एंड देन यू सॉ आफ्टर रिपब्लिक, आफ्टर दिस वी केम अक्रॉस डायरेक्टरी रूल, जहाँ पर वेल्दियर मिडिल क्लास आ गए एंड उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट ऑब्वियसली बात है, जब वेल्दियर मिडिल क्लास होगी तो वो डिफरेंट टाइप की बातें करने लगा, जब वो डिफरेंट टाइप की बातें करने लगेगा तो ये वाले लोग जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। सो दीज क्लासेज वेर डायरेक्ट कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन फ्रांस, ठीक है, एंड दीज प्रिंसिपल्स वेर स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्विंग, फाइन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन, फाइनल पोर्शन। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो द डायग्राम आई ड्रॉ, फाइनल थिंग वी टॉक अबाउट द वुमेन पोजिशन एंड वी विल टॉक अबाउट द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर बाय द इमर्जेंस ऑफ, बाय गिविंग अ प्रीफेस टू नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस वीडियो में वी विल कवर अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस, किस तरह से उनकी इनिशियल पोजिशन थी, एंड मोनार्की ख़त्म होते होते और रिपब्लिक आते आते किस तरीके से उनके यहाँ पोजीशन चेंज हो गई। देखिए इनिशियली इफ़ यू नो, फ्रांस में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं थी वुमेन की। ऑब्वियसली जब वहाँ पर कॉमन मैन की नहीं थी, कॉमन आदमियों की नहीं थी, तो वुमेन की भी बिल्कुल पोजीशन अच्छी नहीं थी। एजुकेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉपर, ट्रीटमेंट वॉज नॉट वेरी गुड, ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर देयर। दे वर नॉट अलाउड टू वोट, दे वर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिशियल पोस्ट, ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू make any they were not allowed to elect people, so all these problems were there. They were only managing things from the home, but we have seen over the period of time, jaise aapne dekha tha Jacobin regime ke andar, when reign of terror came, I told you that people, jab ladai hui thi common man ki monarchies se, to wahan par jo men class tha wo to chala gaya tha ladai ladne, to wahan women ne hi ghar ko chalaya tha, women had to run their houses, to women ka role wahan bhi ek important reflection aata hai। तो ऐसे करते करते फ्रांस के अंदर अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप था, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल के आती है, उसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन,
ठीक है, जब ये सोसाइटी काम करना शुरू करती है तो यहाँ पर ये वुमेन के राइट्स की बात करने लगती है। ठीक है, इट स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट टू वोट, कि भाई अब वोट करने का अधिकार पहले जो लेडीज़ को नहीं था वो हमको हो जाए। दे स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज, अभी तक जो पॉलिटिकल ऑफिस कोई होल्ड नहीं कर सकता था, कोई वुमेन होल्ड नहीं कर सकती थी। पॉलिटिकल ऑफिस मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट की पोस्ट हो, ठीक है, वो भी वो डिमांड करने लगे कि हमको ये दे दी जाए, एंड राइट टू बी इलेक्टेड। सो दीज डिमांड्स विच वर मेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे वर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप देखोगे फ्रांस में जाके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन। नाउ व्हेन वी कम टू नेक्स्ट पोर्शन, दिस इज अबाउट द एबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी का एबॉल्यूशन। देखिए होता क्या था कि फ्रांस में, फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी जो US के जस्ट बगल में थी। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये यूरोप है, ये जो है नीचे कंट्री दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस नीचे आप देख रहे हैं दिस इज़ साउथ अमेरिका, और यहाँ बगल में ही अमेरिका के बगल में ही उनकी टेरिटरीज़ के अंदर कुछ फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। ठीक है, यहाँ पर अभी कैरेबियन कंट्रीज़ हैं एक्चुअली, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ या इंडीज़ जो उसका नाम पड़ गया है वो आपको यहीं मिलेगा। तो ये फ्रेंच कॉलोनीज़ यहाँ पर होल्ड करती थी, मतलब फ्रांस यहाँ पर है और ऐसी कुछ कॉलोनीज़ यहाँ भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो फ्रेंच कॉलोनीज यहाँ पर थी कैरिबियन में, यहाँ पर इट वाज अ वेरी बिग ग्राउंड फॉर टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती थी और फ्रांस के अंदर इन चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। अब फ्रांस को ये चीज़ें चाहिए थी, ऑल दीज थिंग्स, तो पीपल दे वर नॉट विलिंग टू गो फ्रॉम यूरोप टू वर्क हेयर, दे वर नॉट विलिंग टू गो फ्रॉम फ्रांस, तो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे वो बेचारे, मतलब दे वर नॉट, ऐसा मतलब नहीं वर्क फ्रॉम होम, मतलब दे नॉट वॉन्ट टू गो अब्रॉड। ठीक है, तो वो अब्रॉड जाके काम नहीं करना चाहते थे, दे वर नॉट विलिंग, ऑल दो ये कॉलोनीज फ्रांस की ही थी और दीज कॉलोनीज वर रिच इन टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, और यही चीज़ की डिमांड फ्रांस से बढ़ चुकी थी। तो अब क्या किया जा सके, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट सामने आया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा से ये है, ट्रायंगुलर मतलब यहाँ पर तीन कॉन्टिनेंट्स, तीन कंट्रीज़ या तीन पार्टीज टाइप की चीज़ें आई, एक तो यूरोप यानी फ्रांस, एक था अफ्रीका और तीसरा था US यानी अमेरिका। तो हो क्या रहा था, फ्रांस के लोग जाना नहीं चाहते थे वहाँ काम करने, तो फ्रांस के लोग जाते थे अफ्रीका, यहाँ पर वो निग्रोज को उठाते थे, दे यूज टू बाय स्लेव्स एंड दे यूज टू पैक दम इन द शिप्स, कंटेनर से पैक कर दिए जाते थे। अब देखो क्या हालत थी, लोगों को सामान की तरह पैक कर दिया जाता था, एंड दे यूज टू स्विम अक्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड देन रीच द कैरिबियन आइलैंड्स, जहाँ पर फ्रेंच की कॉलोनीज थी, और वहाँ इन स्लेव्स को, ये स्लेव्स को, ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी के, जो भी ओनर्स थे, जो भी इन बागों को जो लोग ओन करते थे, उनको ये स्लेव्स दे दिए जाते थे ताकि वो इनसे काम करवा सकें। तो जो यहाँ ये लोग काम करते थे, तो ये दीज थिंग्स जिनकी डिमांड थी ये फ्रांस पहुँच जाता था। तो इस तरीके से ये स्लेव्स की पोजिशन हो गई थी फ्रांस के अंदर, एंड दिस वॉज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड साइन। तो होने क्या लगा था, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की प्रैक्टिस चल रही थी, बट फाइनली 18th सेंचुरी में जब देखते हैं हम, लास्ट 18th सेंचुरी में इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से स्लेवरी की प्रैक्टिस हो रही थी। सो फाइनली 1794 में ये अबॉलिश कर दिया गया, स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। लेकिन जो स्लेवरी अबॉलिश की गई ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, 1794 में स्लेवरी अबॉलिश की गई, एंड वी सीन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे बिकम्स द एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, एंड व्हेन नेपोलियन कम्स इनटू पिक्चर ही इंट्रोड्यूसेस स्लेवरी अगेन, फिर से स्लेवरी को उसने शुरुआत कर दी। बट लेटर ऑन वी विल सी दैट फाइनली इन 1848 भाई नेपोलियन बोनापार्ट तो खत्म हो गया 1815 में, ही लॉस्ट द वॉर एंड देन ही इज फिनिश्ड, बट इन 1848 वी सी दैट स्लेवरी गेट्स फाइनली अबॉलिश्ड, उससे पहले अबॉलिश नहीं हुई थी। ठीक है, तो एक पोर्शन ही वुमेन का हो गया और एक पोर्शन ये स्लेवरी का हो गया। अब एक बात और देखते हैं कि ये एवरीडे लाइफ, रोजमर्रे की जीवन किस तरह से चल रहा था। तो इफ़ यू रिमेंबर इन दी अर्लियर वीडियोस आई हैव डिस्कस दैट, पहले फ्रांस के अंदर क्या सिनेरियो था, पहले हर आदमी अपनी एकदम फ्रीडम के हिसाब से बोल नहीं पाता था, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक एनी थिंग दैट ही विशेज, उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी, मतलब सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी, यू कैन नॉट राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप बुक्स ऐसी नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट अबाउट इन दी पैम्पलेट्स एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, एंड इफ यू आर डूइंग दिस आपके ऊपर चार्जेस लग जाते थे एंड यू वर पुट टू जेल। बट यू विल सी दैट लेटर ऑन आफ्टर 1789
व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा इज कमिंग एंड दैट 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से एवरीडे लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. सेंसरशिप वॉज बैंड. नाउ पीपल वेर एबल टू स्पीक वॉट एवर दे थॉट. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आने लगा. अब लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से बोल सकते थे, उनको जो सही लगता था दे कैन स्पीक. इसीलिए आप देखिए फिलोसफर्स का रोल 1789 के बाद ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 1789 से पहले ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता था. ठीक है, तो फिलोसफर्स का रोल यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद आया. तो पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट अगेंस्ट दी मोनार्की, तभी बोल पा रहे थे, उससे पहले नहीं बोल पा रहे थे. तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया. ठीक है, तो इस तरह की आप देखिए एवरीडे लाइफ चल रही थी और स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल गॉट दी एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी. ठीक है ना, ये चीज़ें पहले नहीं थी. तो ये एवरीडे लाइफ में किस तरह से बदलाव हुए हैं, ये तो आपको एक जनरल व्यू ऑलरेडी मिल चुका है इतने सारे वीडियो से. ठीक है, अब जो इसका लास्ट पोर्शन जहाँ ये चैप्टर एंड कर रहे हैं वो ये है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ही कम्स टू द पिक्चर एंड ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस. भाई वो कह दिया कि मैं राजा हूँ. और जब वो राजा बनता है, एम्परर बनता है, तो इनिशियली लोगों को लगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये हमारे फ्रीडम, ये हमारी लिबर्टी दिलवाएगा, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ये इनिशियली देखा गया. ठीक है, और उसके टाइम में बहुत सारे लॉस पास, क्यों ऐसा लग रहा था लोगों को, क्योंकि उसके समय बहुत सारे ऐसे लॉस पास हो रहे थे जो बहुत रीजनेबल लग रहे थे. जैसे उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लॉ पास किया, किसी व्यक्ति की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो वो उसको प्रोटेक्शन दिया उसने. सो पीपल थॉट दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ठीक है, किस तरह से सामान की नापतौल होनी है उसका यूनिफॉर्म तरीका दे दिया. सो दीज थिंग्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. जब तक लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं 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 नेपोलियन इज नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज नाउ ही वॉज रनिंग इन द एंटायर यूरोप, ही वॉज रनिंग विद अ हॉर्स, हॉर्स पर बैठ के ही वॉज रनिंग इन द एंटायर यूरोप, और वो अलग अलग कंट्रीज को कॉन्कर करना शुरू कर दिया. ही वॉज कॉन्करिंग देम, ही वॉज गोइंग द अदर कंट्रीज और उनको कॉन्कर कर लेता था. ही वॉज बीटिंग देम एंड कॉन्करिंग देम. ठीक है, सो पीपल रियलाइज दैट नेपोलियन बोनापार्टे इज नॉट अ गुड थिंग फॉर फ्रांस, एंड ही वॉज कंसिडरिंग एज अ वेरी ईविल थिंग फॉर फ्रांस. ठीक है, सो फाइनली 1815 में एक लड़ाई होती है, दैट इज यू ऑल नो बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जहाँ पर ये नेपोलियन बोनापार्टे ही लॉस द वॉर, एंड वहाँ से ये चैप्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कम्स टू एन एंड. सो बेसिकली वॉट वी हैव लर्न इन दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी हैव सीन हाउ द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, हाउ द आइडियाज ऑफ फ्रीडम जो आज इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख रखे हैं, कैसे ये प्रिंसिपल्स बने. देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं देखने को मिला, जाहिर सी बात है ये कई सालों में लगे. हमने तो खाली अडॉप्ट कर लिया इन प्रिंसिपल्स को कि हमारे यहाँ इक्वालिटी होगी, इंडिया में अडॉप्ट किया है खाली कि सब आदमी को एक जैसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा. लेकिन ये इक्वालिटी का ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल आया कहाँ से? सी दिस, वी हैव सीन किस तरह से वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमको सिखाया. ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन इस तरह की कहानी थी, किस तरीके से लोग, आप देखिए इन क्रक्स पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे मोनार्क से, बाद में एक्सप्लॉइटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों की सहने की क्षमता खत्म हो गई, वो मोनार्क के अगेंस्ट खड़े हो गए. मोनार्क खत्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी वो नहीं सह पा रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो थी उसके बाद मोनार्क जो है वो दूसरे देशों के राजाओं से बात करने लग गया था अंडर द टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म होती है तो रिपब्लिक आ जाता है, रिपब्लिक भी आता है तो उस समय फिर डायरेक्टरी रूल आ जाता है. तो किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टोरी जो है फ्रांस की आगे बढ़ी है. ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद द रशियन रिवॉल्यूशन.